हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। राम राम सा मीनल्स किचन एंड मोर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि आज हम कचौड़ी बनाने वाले हैं, और ये कचौड़ी बनाएंगे हम मटर की। तो दिख रहा है ना कितनी क्रिस्पी बनी है, और सीजन में अगर हमने मटर की कचौड़ी नहीं बनाई तो क्या बनाया। इसका जो क्रंच है और क्रिस्प है और सॉफ्टनेस है, ये तीनों चीज़ें आपको कचौड़ी में मिलने वाली है। और आप देख रहे हो इसमें ऊपर बबल्स भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है ये। तो परफेक्ट बनाने के लिए लास्ट तक वीडियो देखिए। मटर की कचौड़ी बनाने के लिए हम लेंगे ऑयल 1 टेबल स्पून, उसमें डालेंगे जीरा 1/2 टेबल स्पून, और साथ ही मटर 1.5 कप जितने मैंने इसमें डाले हैं, और उसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसको चलाते रहना है लगभग 1 मिनट के लिए। ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट और फिर से इसको अच्छे से चला लेंगे। थोड़े से सॉफ्ट हो जाने चाहिए, बस तब तक हमें इसको गर्म करना है। और अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो इसमें मैंने ली है धनिया पत्ता और 3 ग्रीन चिलीज ली है, हरी मिर्च, साथ ही अदरक 1/2 इंच, और हम मटर डाल देंगे और उसको एकदम अच्छे से ग्राइंड कर देंगे। पर उसको दरदरा ही रखना है, एकदम पेस्ट नहीं बनाना है। ये देखिए, हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और अब हम इसको उसी पैन में फिर से ऑयल लेंगे 1 टेबल स्पून, साथ ही जीरा 1/2 टेबल स्पून, यहाँ पे सौंफ ली है 1 टेबल स्पून जितनी, और अब हम इसको एकदम अच्छे से स्लो फ्लेम पर चला लेंगे। और अब हम इसमें वही मिक्सचर जो तैयार किया है हमने पेस्ट, उसको डाल देंगे और उसको 1 मिनट तक अच्छे से चलाना है। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले, नमक, हल्दी पाउडर 1/4 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, यहाँ पर लाल मिर्च ली है मैंने कश्मीरी मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून, अमचूर पाउडर 1/2 टेबल स्पून, और साथ ही गरम मसाला 1/4 टेबल स्पून। और अब हम इसको एकदम अच्छे से चला लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है पूरा मसाला। तो यहाँ पर हमने शुगर डाली है 1/2 टेबल स्पून, और इसको 30 सेकेंड के लिए अच्छे से कुक करना है, चला लेना है, और उसके बाद गैस बंद कर देना और उसको ठंडा होने देंगे। और तब तक हम एक काम करेंगे, आटा तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया है 2 कप जितना, और उसमें डालेंगे ऑयल 2 टेबल स्पून और घी 1 टेबल स्पून, साथ ही थोड़ा सा नमक। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक हाथों में मुट्ठी बना के देखेंगे। अगर वो शेप अच्छे से फॉर्म हो रहा है तो ये हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और उसको अच्छे से बांधते रहेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा करके 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड किया है। उसको अच्छे से बांध देंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखना है, एकदम हार्ड भी नहीं होगा और एकदम सॉफ्ट भी नहीं होगा। उसको हम लोग साइड में रख देंगे। और अब हम जो मसाला है तैयार किया था हमने, उससे बॉल्स बनाएंगे। आप मीडियम या स्मॉल आप अपने हिसाब से बना सकते हो। और इसी तरह से 14 बॉल्स बन गई है मेरी, ये देखिए। तो यहाँ पर जो हमारा आटा रखा था उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे 10 मिनट बाद, और अच्छे से नीट करके अब इसकी भी बॉल्स बना देंगे। सेम साइज़ की बनानी है, जो हमारा मसाले की जो बॉल्स बनाई है उसी साइज़ की बनानी है, या आप उसे थोड़ी सी बड़ी बना सकते हो। तो ये देखिए, हमारी बॉल्स बन गई है। अब हम इसको हाथों से चपटा करते हुए दोनों अंगूठों और उंगलियों की सहायता से इस तरह से शेप बनाएंगे, और साथ में जो मसाला है बॉल बनाई है मसाले की, वो भी डाल के इस तरह से इसको बंद कर देंगे, और एक्स्ट्रा जो आटा है ऊपर से वो निकाल देंगे, या फिर आप उसको अंदर की तरफ फोल्ड भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब हम इसको अच्छे से रोल करके हल्के हाथों से दबाना है, और आप इसको अच्छे से थोड़ा सा और पतला कर सकते हो, बिकॉज ये वैसे भी फूलने वाली है। तो ये देखिए, इस तरह का शेप बना सकते हो। तो ये देखिए, हमारी एक कचौड़ी तैयार हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी भी बनाएंगे। ये जो आटा हमने निकाला था उसको हम दूसरी लोई में डाल देंगे, और इस तरह से इस बार मैंने हल्का सा राउंड शेप बनाया है अंदर की तरफ दिए जैसा, और उसमें फिर मसाला डाल के इसी तरह से पोटली बना के उसको ऊपर वाला एक्स्ट्रा पोर्शन तोड़ देंगे, और इसी तरह से हाथों की सहायता से उसको दबाते हुए पूड़ी का आकार दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर मैंने सारी बना दी है। ये देखिए, अलग अलग शेप भी बन जाते हैं कभी आटा कम ज़्यादा हो तो। और अब देखिए, यहाँ पर जो मैंने ऑयल लिया है वो ज़्यादा गर्म नहीं है, आप देख सकते हो एकदम हल्के हल्के से बबल्स इसमें से निकल रहे हैं। तो बस इसी फॉर्म पे रखना है, और इसको बिल्कुल फास्ट नहीं करना है, स्लो फ्लेम पे कचौड़ी बनानी है हमको। और जब ये थोड़ी सी ऊपर आ जाए, बबल्स निकलने लगे बहुत सारे, तब आप इसको हल्का सा फ्लिप ओवर करके जा सकते हो, बट स्लो फ्लेम पे ही हमको ये काम करना है।
तो ये देखिए धीरे धीरे इसका कलर चेंज होगा, इट विल टेक टाइम बट इट विल बिकम मोर टेस्टी एंड क्रंची। देखिए बहुत ही क्रंची बनेगी ये, देखिए इसका कलर कितना प्यारा आया है, नो एक्स्ट्रा बबल्स, कोई भी एक्स्ट्रा बबल्स नहीं है और इक्वल तरीके से ये फूली है। तो ये हमारी कचौरी तैयार है बिल्कुल अच्छे से चटनी के साथ खाने के लिए, मिर्ची के साथ आप खा सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।